इतना बड़ा विचित्र एक बार इतना बड़ा रेडियो अकेले चले आ रहे गुरु महाराज आके सीधा गुरु महाराज के लिए यार मैं सोच ही रहा था कि मेरे पास रेडियो नहीं है यार सीधे रेडियो लेके चले मस्त जटाए लहरा रही है फक्कड़ गाई एकदम आकाश मार गई थी पहला जो जीवन था ना वो क्या था आकाश मार गई अब आकाश और पाताल मार गई दोनों हो गया एक बार हम लोग ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे थे मस्ती में जाते थे भजन गाते जाते अपने मस्ती में कोई दाए बाए आगे पीछे देखते नहीं शेर हो रीछ हो भालू हो कोई कभी नहीं देखते पत्ते के ऊपर कोई नागन होगी नागन उसको पता ही नहीं जो जब मेरे पास शायद थोड़ा सा डिस्टेंस रहा मेरा उसका उसने जो मैंने देखा घोड़ पचाड़ नागन कैसी है तो वो क्या करती है अपनी पूंछ अपने मुंह में लेती है और उसके रिंग बनाती है और वो रिंग करके जंप करके उसको घोड़ पचाड़ बोलती है पतली रहती है हाँ बिल्कुल पतली ऐसी रिंग करके जंप मैंने देखा जब वो मेरे थोड़ा दो ढाई फीट तीन फीट का अंतर रहा होगा और हमारे पैरों में चप्पल उप्पल तो थी नहीं लेकिन पता नहीं भगवान की क्या दया रही उसके मन में तो बहुत बड़ी दया रही बहुत बड़ी काट भी सकती थी लेकिन उसने अपने मुंह में पूछ ली और जंप किया तब उसके रिंग मुझे दिखी घोड़ पछाड़े शेर जब तक यहाँ साधना में रहे ना शेर अगल बगल में ही रहा गया नहीं कहीं जो भी है मतलब उसका नहीं यहाँ पानी भी गर्मी के दिन में पानी नहीं यही पानी पीने आते ना बब्बर शेर है मोटा बड़ा शेर अच्छा शेर अभी भी है अभी भी है दो पट्टे वाले चार तेंदुए एक काला तेंदुआ है और एक बब्बर शेर है दो नील गाय है और बारह सिंगा है और वो है चिकारा रीच रीच दो है घूमते रहते हो जड़ी बूटी खाते रहते पानी यही है इतनी जगह में पानी निकलता यहाँ भी पी लेते वहाँ भी पी लेते हम लोगों ने पहले नीचे नहाने के लिए बनाया था और पुराना भैया उन्होंने यहाँ पानी पीने के लिए रखा था नहाते थे नीचे पानी पीते थे यहाँ अभी भी ऐसा ही है वही परंपरा बिगाड़ी है नहीं बिगाड़ी नहीं है वही परंपरा बस खाली इतना किया वो कुंड में मिट्टी ज्यादा धस रही थी सीधा पानी हो गया था तो उसको ईंट लगा के सही करेंगे इस बार ये तो पानी नहीं बहता गुरु भैया पानी बंद हो गया अभी 15 दिन हो गया पानी गिरे बंद हो गया झरने तो इस बारिश में तो चलती थे मैं चल रहा हूँ नीचे वाला नीचे वाला नहीं इधर से कलकल कितना बहता इधर बंद हो गया वो पिछले साल पानी नहीं गिरा ना पत्थर इतने आए तो अंदर ही अंदर पत्थर में चल रहा ऊपर से पत्थर बहुत उड़ गए ना पहाड़ी के नहीं तो कितना पानी कलकल बहता था अपन पानी लांग के आते थे गुरु बारिश भर होता है ऐसा 4 महीने अब नहीं होता अब तो अंदर अंदर जा रहा पत्थर हो गया पिछले साल तो वो नीचे वाला कुंड में जरा सा ही पानी था गुरु पिछले साल वो नीचे वाला जो कुंड है ना बहुत ही कम पानी था उसमें गोपावली माई की दया दृष्टि महाकाली उग्रकाली बगिया वाली माई की अभी देंगे ना क्या सुन रहा हूँ बगिया वाली माई की कहाँ से प्रतापगढ़ बड़े बाबा बाबा लोग है जंगल में अद्भुत लोग है गुरु हमारा तो धन्य है हमको तो बिल्कुल आत्मा से आशीर्वाद है सभी लोगों को और हम तो जब से जंगल में चढ़े तब से उतरे जो पूछो बोले हम लोग तो आपसे ज्यादा धन्य हो गए हम लोग महाराज के साथ रहते हैं हम तो सोच रहे साल भर में आपको बहुत भाग्यशाली आप बहुत किस्मत वाले धनी आप बहुत दिन से मना रहा है साल भर में महीना भर यहाँ निकाला अरे हमारी इच्छा इतनी शानदार व्यवस्था है गुरु मगर है ना वो बस वो आपने एक बार हमको समझाया था वो स्त्रोत पढ़ रहा था गणेश अष्टक तो आपने बोला बोलिए गुप्त है ना 11 महीना संसार का कैसी 1 महीना आज्ञा सोच
और हमने एक आपके लिए ऐसी गुफा ढूंढ के रखी है कि क्या बताएं। और किसी को मिले नहीं? हाँ, देवता भी याद कर रहे वहाँ पे, उनको किसी को नहीं मिले, अपने को मिलती है। अच्छा? हाँ, अपने दो भील लोग हैं ना, और हाँ, उनको मिलती है। अच्छा, एक मोकल दादा। अच्छा, तो बाकी नाकेदार मर गए हैं? नाकेदार तो मर गए, शाम बिहारी तो नहीं, उसकी माँ भी मर गई है। पागल तो नहीं, मतलब इस तरह दम लगाता रहता है। और वहाँ आपकी जो कुटिया थी, नया बड़ का पेड़ लगा दिया ऊपर बड़ के, वहाँ पे वो बड़ तो पूरा गिर गया, जल गया वो। जल गया? हाँ, वो जला दिया उन्होंने। क्यों जलाया? अरे वो जला दिया ना ढोर वालों ने। क्या लग धर दी आग उन्होंने पूरे जंगल में? हाँ, जल गया। नया पौधा लगा दिया, कितना बड़ा हो गया वो बड़ का। हाँ, बड़ गई। त्रिवेणी लगा देते गुरु भाई? त्रिवेणी वो और कर देंगे, त्रिवेणी को भी कर देंगे। बड़ पीपल हमारी पंचवटी की इच्छा, वहाँ भी बहुत अच्छा था। वहाँ लगा दो परिक्रमा का खेल चालू कर देंगे। हाँ, मजा शानदार काम कर देंगे। अच्छा रहेगा। हाँ, और थोड़ा सा वो जो पानी वाला अपना वो है ना, उसको घेरा करने का अपन ने जो बनाया था। हाँ, उसमें जरा वो पत्ता लगा के हमारे विचार है करने का, कर डालेंगे इस बार। 12 महीने पानी देते हैं? हाँ, 12 महीने नहीं देता, गर्मी में सूख जाता, मिट्टी है ना वो उतर जाता उसमें, अब नहीं देता पानी। गिरा नहीं 3-4 साल, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। इतने पे जाता, एक दो बार आता था पानी बस। अरे भैया मांगीलाल, अरे चाय का क्या हुआ? ऐसी आवाज देते थे हम लोग गुरु भाई सब। हाँ, और भयंकर, या मतलब सामने वाले को कनेक्शन होना चाहिए। कहाँ आ रहे अंदर? अभी समगादड़ है पूरा अंदर है जी। और वो समगादड़ का स्थान है। जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठ जाओ, जितने नीम के पेड़ के उस तरह भी खोलना। नीम के पेड़ के उस तरह आ वाओ ठीक है बेटे। हां लगन पूरे हट जाएंगे। अरे लगाओ। अरे भैया पूरे नहीं पड़े सर, यहाँ सोचे थे हम लोग। अरे यार बहुत क्या है कि मैं बाहर का बात तो गवा नहीं सामने ये वोट लगा। ओ भैया वो सामने सामने ये पूरा पत्थर लगा के बारिश में इसमें से पानी टपकता है जी। रात रात में बैठे रहते थे। अंदर पीछे तक गहरी की है सॉरी, बहुत बड़ी गहरी अंदर, इधर से बहुत भी अंदर गहरी जी। हाँ, एक बार हम लोग यहाँ धोना जला अंदर था, बारिश में पूरा धुना गया। और हम लोग यहाँ बैठे थे पत्थर का सांप पानी में बहते हुए, उसके में आया होगा का हुआ। तो 4 बजे तक मैंने उसको देखा, वो मुझे देखता रहा। मैंने कहा भाई मैं तुझे कुछ मत करो, नहीं करता तू मुझे कुछ मत कर। हाँ, माला में बैठा रहा वो, कब निकल गया मुझे पता नहीं। जीवन की शुरुआत यहाँ से साधना की, 6 महीने यहाँ निकाले। आओ बहुत दुर्गम है, बहुत ही दुर्गम। 6 महीने यहाँ निकाले, पहली बार ऐसी जगह पे लाए। शुरुआत के जो शुरुआती समय था साधना का, यहाँ रहा, फिर बाद में गया। इसके ऊपर भी 2-3 घंटे लगते हैं, और भी और ऊपर चढ़ने में, ऊपर जाने में। ऊपर जहाँ महाराज जी ने तपस्या की खड़ी चढ़ेगी वहाँ पे जाने, वो तो भयंकर पहाड़ी है, वहाँ तो रास्ता ही नहीं है। वो तो टाटम्बरी बाबा ने चाटा मारा, वैराग्य चढ़ा दिया, हम तो गए थे मरने के लिए। ये भगवान ने मरने तो नहीं दिया, लेकिन स्वामी जी वो सेवा धाम का गीत लाया हूँ मैं। अच्छा चलो मैं संध्या कर लूँ पहले। हाँ, जी है क्या?